के हजरत अबू अयूब अंसारी फाउंडेशन 27 नवंबर से 3 दिसंबर तक पूर्व प्रधानमंत्री वीपी सिंह के याद में सामाजिक सप्ताह बनाने का फैसला किया है। 7 दिन चलने वाले इस कार्यक्रम में पूर्व प्रधानमंत्री वीपी सिंह के द्वारा किए गए लोक और सामाजिक हित के कामों को याद करके श्रद्धांजलि दी जाएगी। यूनियन पार्टी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष ने प्रेस वार्तालाप आयोजित कर इस बात की घोषणा। और हमारे ऊपर जुल्म अगर होगा तो कोई लोग भाग करेंगे तो आप लोग हैं, ऐसे हम लोग मानते थे और हमारे बुजुर्ग भी हमको यही बता दिया आज तक आए। ये वीपी सिंह हैं जिन्होंने ओबीसी की आंख खोले और उनको बताया क्या है, हमने तुमको भी उसमें ला के रखा है, जान जाओ जाग जाओ। और ऐसे ये महान सामाजिक सबको लेके चलने वाला कोई नेता है तो वीपी सिंह नेता है। आशा पंतप्रधान मी ऐसा नहीं म्हणतो कारण मी तर पंडित जवाहरलाल नेहरू चौरस्थ नव्हतो विद्येताई, मी पुस्तक वाचलो आणि त्याच्यामध्ये अनेकांनी लिहिलेलं आहे की चायना बरोबर झालेलं युद्ध जे आहे त्याच्यामध्ये जो पराभव जो झाला ते कारण पंडित जवाहरलाल नेहरू। आणि मग अनेक माजी पंतप्रधानांच्या अनेक गोष्टी आल्या, एक आहे की जिनके बारे में सिर्फ सामाजिक रचना सामाजिक सबको लेके जाने का काम किसके जहन में था और जिन्होंने अमल किया बोलने वाले बहुत है। या ठिकाणी जास्त वेळ घेत नाही, शेवटचे 30 सेकंड घेतो कार्यकर्त्याच्या जाता, एक तो सिर्फ बोलो और एक तो बोल के अमल करो। यहाँ पर आपको 99.99% लीडर मिलेंगे जो सिर्फ बोलते हैं अमल नहीं करते, और 99.99% एक डेसिमल पॉइंट जो बचता है उस डेसिमल पॉइंट में वीपी सिंह साहब आते, क्योंकि वो जो बोलते थे वो करते थे अमल में लाते थे, इतना बोलते उनको। ये सभा और ये जलसा माननीय श्री वीपी सिंह की याद में मनाया जा रहा है और उसी लिए हम और आप जमा हुए। दरअसल हमारे एक बुजुर्ग सहाफी एक जर्नलिस्ट यहाँ पर बैठे भी हैं जिनसे मैं अभी इस्तीफा ले रहा था, उनसे फायदा ले रहा था। मैं कुछ बातें यहाँ पर इसलिए कहना चाहता हूँ यहाँ के हर समाज के लोग, पहली बात तो ये है कि हम इसको वोट करना चाहते हैं वीपी सिंह के ऊपर जो शायद हमारे नेताओं को बात नहीं मानते। इस्लाम में आप देखेंगे कि वसल्लम से लेकर के और इससे पहले जितने भी नबी हुए, या आपको बताना चाहता हूँ कि आप इसको जो है हमारे पत्रकार भाई और हमारे जो यहाँ पे जर्नलिस्ट हैं वो उनको चाहता हूँ कि इस बात को गौर करें कि इस्लाम में जितने भी नबी हुए उनको अल्लाह तबारक ने खानदानी लोगों को नबी नबूवत दी है। और आप मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान में ये काम अगर किसी एक अच्छे लीडर को जो चीज़ सौंपी गई वो वीपी सिंह को सौंपी गई, ये मैं समझता हूँ कि इस काम से बहुत बड़ा विषय है। खानदानी आदमी जो होता है वो सही मानों में उस पर देखिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे आखिरी नबी थे, वो एक खानदानी आदमी थे, कुरैश नाम था, कुरैश नाम की एक मछली होती है समुद्र के अंदर जो सब पर हावी होती है और उसी खानदान से ताल्लुक रखने वाले को नबी बनाया गया। तो ये जो आप देखेंगे कि वीपी सिंह के अंदर जो ये चीज़ पाई गई, हमारे बद्र आलम साहब ने बात कही अभी अपने शुरू में कि जो है बहुत से लोग आए हैं जो भ्रष्टाचार के खिलाफ और दूसरी चीज़ों के खिलाफ बोलने के लिए अभी नए नए नेता उभर करके आ रहे हैं, लेकिन ये अभी आजमाए नहीं गए और वीपी सिंह तो आजमाए भी थे। मैं कहता हूँ कि उनके अंदर वो जिला और उनके अंदर वो जो चीज़ पाई गई वो इसी बुनियाद पे पाई गई कि उनकी वो खानदानी आदमी थे, राजा आदमी थे और उन्होंने इंसानियत की। अब हम लोग जैसे हमने जो वीपी सिंह के हाथ पे बैयत की है किसी को, हमने उनको अपना लीडर माना, क्यों माना? इसलिए कि उनके अंदर इंसानियत पाई जाती थी। और मैं समझता हूँ कि दुनिया का कोई भी धर्म का मानने वाला शख्स हो वो इंसानियत को, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आए तो सबसे पहले आपने जो भेदभाव को खत्म किया, आप खानदानी आदमी थे लेकिन आप अपने साथ में जिसको रखते थे बिलाल को रखते थे, बिलाल जिनसे जो है कुरैशी क्राहियत महसूस करते थे अपने साथ बैठाने में। मैं यहाँ पे कहना चाहूंगा हमारे एक दलित भाई जो यहाँ पर अभी अपनी तकलीर कर रहे थे, हमारे नबी का एक वसूल है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो अपनी एक तकलीर की थी, जो हम लोग मौलाना और जितने भी यहाँ के मुस्लिम समाज के लोग जो हज करने जाते हैं तो वहाँ पर आज भी वो तकलीर सुन्नत के तौर पर की जाती है, वहाँ पर आपने एक तकलीर की थी। मैं